टोल टैक्स वसूली का विरोध कर रहे वाहन मालिक। जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जबलपुर जिले के बरेला के पास बने टोल टैक्स कर्मियों द्वारा टैक्स की वसूली की जा रही है, जिसका वाहन मालिक व जिले वासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है अभी तक राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ नहीं है, उससे पहले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी है, जिसका वाहन मालिक विरोध कर रहे हैं। जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण बीते करीब 5 वर्षों से चल रहा है, जिसका निर्माण आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि यह निर्माण वर्ष जून 2017 में पूर्ण होना था, लेकिन उससे पहले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। जबकि उदयपुर से लेकर मंडला तक इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं चलता कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यात्री टोल टैक्स का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये गलत प्रक्रिया है। अभी रोड चूंकि कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये लोग टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिए हैं। हम प्रशासन तक ये बात पहुंचाते हैं कि इसकी जांच की जाए। होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आम जनता इससे बहुत परेशान होगी। क्या रोड अगर पूरी कंप्लीट नहीं हो और इसके बाद अगर टैक्स लिया जा रहा, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हुआ है, इसमें मुझे अभी एक पर्ची मिली है जिसमें किलोमीटर्स मेंशन कुछ भी नहीं है। 0 किलोमीटर से 0 किलोमीटर का 0 किलोमीटर का चार्जेस ले रहे हैं, मुझसे 40 रुपये लिए आने जाने के, जबकि 0 किलोमीटर का कोई चार्जेस नहीं। इनको मेंशन करना चाहिए कितने किलोमीटर का कितना चार्जेस ले रहे हैं, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें। इन लोगों की गलती है ये, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कितने किलोमीटर का चार्जेस के। और मंथली चार्जेस भी जो ये बता रहे हैं वो मंथली 50% डिस्काउंटेड होता है, पर उस हिसाब से नहीं है, ज़्यादा है, 910 होता है चार्जेस। जबकि पर्ची भी लगा, आप क्या शिकायत करने वाले थे? हाँ, मैं अभी NHI में इसको डालने वाला हूँ कि ये मेरे से ऐसा इन्होंने चार्जेस लिया है विदाउट मेंशनिंग कि कितना किलोमीटर का चार्जेस लिया है। मंडला जिले की निवास विधानसभा से विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं कि मैं आज टोल टैक्स का विरोध करने टोल टैक्स प्लाजा जाऊंगा और अगर मंडला जबलपुर रोड पर चलने वालों से टैक्स वसूलना तत्काल बंद नहीं किया गया तो मैं हजारों समर्थकों के साथ वही धरने पे बैठकर टोल टैक्स वसूली का विरोध करूंगा। मुझे सही में आज सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि टोल नाका वहाँ पर शुरू हो गया है, और मैं जब देख रहा हूँ कि हमारे मंडला की ऐसी स्थिति है कि पूरा रोड ख़राब है, वहाँ पर गड्ढे हैं, वहाँ पर आए दिन रोड साइड एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, आज फिर एक बस वहाँ पर पलटी है, रोज धन और धन की हानि होती। इस बीच में अगर हम जैसे अपना एरिया क्रॉस करते हैं वहाँ पर टोल नाका लग जाए तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। आज मुझे लगातार दिन भर से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं भी उस चीज़ का, मैं यहाँ की जनता की इन भावनाओं का मैं समर्थन करता हूँ कि किसी भी स्थिति में जब रोड इस क्षेत्र में हमारे यहाँ बना ही नहीं है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर जो है रोड बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि वहाँ पर चलना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति के बाद में वहाँ पर टोल वसूलना मुझे लगता है बहुत ज्यादती है हमारे मंडला के और जो भी यहाँ से निकलेगा उनके लिए। मैं इसका बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ और इसी संबंध में टोल नाके के बाहर 4:30 बजे धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ और उसका विरोध स्वरूप में बताऊंगा कि क्यों ऐसा छालावा किया जा रहा है हमारे जनता के साथ में। तो कैसा प्रदर्शन रहेगा सर आपका? प्रदर्शन तो विरोध ही रहेगा और हमारा सीधा कहना है कि हमारे साथ छलावा क्यों। आप जब वहाँ के स्टैंडर्ड को आप मान के चल रहे हो कि 3 फेज में हम रोड बनाए हैं, उस आधार पर हमने वहाँ टोल टैक्स वहाँ स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जब आपको ये पता है कि 2 फेज में आपके यहाँ रोड बन गया है, 3रा फेज बीच का रोड नहीं बना है, तो क्यों आप जले में नमक जैसा छिड़क रहे हैं? जब आपको ये मालूम भी था कि वहाँ का रोड नहीं बना है तो वो उसके रोड बनने की कार्यवाही करवा दिए होते। सब कुछ पता होते हुए भी हमारे यहाँ के अनदेखी की जा रही है और उस अनदेखी के बीच में हम लोग टोल देंगे, टोल टैक्स देंगे, ये कैसे संभव है हमारे लिए? हम उसका विरोध कर रहे हैं और मंडला की पूरी जनता हमारे साथ में। देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ विटनेस और रहे पल पल के खबरों से अपडेट।